Assalamu alaikum friends, this is me Muhammad Usman. As I said, this is my fourth day in Hunza. So ab hum log nikle hain and this is specially for our Pakistanis because this is a beautiful place. Agar mere camera ki aankh aapko ye dikha sake, so literally वो पहाड़ जो है क्लाउड्स को टच कर रहा है और कुछ जगहों पे ऐसे भी हैं जो कि क्लाउड्स को नीचे छोड़ रही हैं और ऊपर जा रही हैं. सो इफ़ यू गाइस कुड वॉच, सो दिस इज़ वेरी मच ब्यूटीफुल. और अगर आप लोग देखें तो वहाँ पर मैं जूम करूँगा, सो देयर इज स्नो ऑल द वे डाउन 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 और यही सारे ग्लेशियर्स मेल्ट होकर पानी बनते हैं. एंड इफ़ यू गाइस कैन वॉच, सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है. दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड आई लाइक इट बिकॉज इट इज़ हैविंग दिस कूल वेदर व्हेन द सन गोज़ डाउन सो इट गेट्स कूल. जब सूरज ढलता है, जब सूरज ख़त्म होता है, जब सूरज गुरूब की तरफ जाता है तो उस वक्त ये थोड़ा ठंडा होता है और उससे जैसे मॉर्निंग को हम लोग देखें तो मॉर्निंग को ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि सूरज अपने पीक लेवल्स पर होता है. आई एम नॉट सेइंग द 5 o'clock बट आई वुड से दैट द मेन मॉर्निंग लाइक 12 o'clock और दोस टाइम. और दोस्तों अगर हम लोग देखें तो मैं आपको एक टिप बताता चलूँ. मैं इस वक्त अपने मुंह से सांस ले रहा हूँ जो कि बहुत बुरा है. ऐसी जगहों पर जब आप लोग जा रहे होते हैं सो प्लीज़ टेक द ब्रेथ फ्रॉम योर नोज नॉट फ्रॉम योर माउथ. अगर आप लोग ये देख सके तो दिस इज़ वेरी मच ब्यूटीफुल. आओ If you want, so this is very much beautiful. It has these rocks, has this clean water. But if you guys, I will zoom in. So if you guys watch, so there is this blue, I could say, different kind of rubbish. So just like that, there is rubbish going on. So I will give a public service message that please, please, please don't throw any kind of rubbish because this is something. If you guys watch, तो अगर आप लोगों ने देखा हो तो इस वक्त हमारी तरफ से एक अपकाडो यानी खुबानी जिसको हम लोग पश्तो में कहते हैं और आई डोंट नो व्हाट वी कॉल दैट इन उर्दू बट अपकाडो हम उसे इंग्लिश में कहते हैं, हम लोगों ने वो थ्रो किया. अब इसको थ्रो करने के अंदर कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि इसे इसका दूसरा नाम है मिट्टी का रिस्क. क्योंकि अगर हम लोग इसे गिराते हैं इसका बीज फिर से उगता है और फिर से ये लोगों को और भी ज़्यादा फ्रूट्स देता है. सो इफ़ यू गाइस कैन वॉच, सो दिस इज़ वेरी मच यूनिक एंड ब्यूटीफुल और स्पेशली यहाँ पर खुबानी के ट्रीज ऐसे हैं जिस तरह हमारे पिशावर के अंदर खाबूटे. बिकॉज हर जगह पर हर टाइम हर वक्त जो है आप लोग देखें तो खुबानी 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 खुबानी. लेकिन एक दफ़ा जब ये सारी पक जाए तो फिर इनमें से एक भी नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे वो सारे ले लेंगे. अगर आप लोग ये देख सकें, वी आर हैविंग दिस मच अपकोडोज दिस मच खुबानी. हम लोगों ने रास्ते में ही कुछ तोड़े हैं, वो थोड़े से पके हुए थे. अगर आप लोग इसे देख सकें तो ये देखें, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा डिलीशियस. जी फ्रेंड्स, सो लेट्स गो ऑन. अगर आप लोग देख सके तो इतना लंबा ट्री, एक्चुअली ये हमारा कैमरे का जो आई कुड से स्क्रीन है वो इतनी लंबाई को आपको छोटा दिखाएगा लेकिन जो हमारी असली आंख है उसके मुताबिक हमारी आई गेस नेक के अंदर नोच आ सकती है अगर हम लोग इतने ऊपर देखें बिकॉज इट इज़ जस्ट लाइक इन द स्काई. पर मैं इस पर हैरान हूँ कि ये क्लाउड्स कितने मज़े से इन बर्फीले पहाड़ों को टच कर रहे हैं. वॉच, इट इज़ ब्यूटिफुल, इट इज़ सो मच गुड. और रास्ते में हम लोग जा रहे हैं, मुझे लगेगा यकीनन आपको ये थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, सो लेट्स गेट अ बिट फास्ट. मैं आपको ये व्यूज थोड़ी थोड़ी दिखाता हूँ एंड आफ्टर दैट आई विल पॉज इट एंड आई विल शो यू इन द एंड वेयर वी रीच.
और इसके बीच में थोड़ी थोड़ी जगहों पर मैं आपको दिखाऊंगा जो अमेजिंग व्यूज हैं, या जहां पर हमें कुछ मुश्किलात होती है चढ़ने पर, या कहां पर हमें कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस मिलता है। सो आई विल शो यू गाइस, क्या पता है इन पहाड़ों के अंदर लिपर्ड्स और चीतास भी हों। आई डोंट बिलीव। अनदर खुबानी ट्री, अनदर एपोकाडो ट्री, इट इज ब्यूटिफुल। अगर आप लोग देखें सो इट इज वेरी मच ब्यूटिफुल, वी हैव अ लॉट ऑफ एपोकाडोस। लाइक यहाँ पर अगर खुबानी किसी को खानी हो तो वो सिर्फ और सिर्फ रास्ते में पैदल जाए और फ्री में खुबानी मिलेगी। यहाँ पर ऐसे है खुबानी जिस तरह आप लोगों को फ्री में मिल रही है। गॉड इट इज लिटरली इनफ। वो देखें ये देखें, वो माय गॉड कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। और इसके अलावा वो पहाड़, और शो यू गाइस वो पहाड़ देखें, वो लिटरली क्लाउड्स के ऊपर है। इट इज ऑन द क्लाउड्स, और ये कुछ क्लाउड्स उससे ऊपर आ रहे हैं और वो क्लाउड्स की शेडो उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह पड़ रही है। सो फ्रेंड्स इफ यू गाइस वॉच, दिस इज वेरी मच ब्यूटीफुल प्लेस एंड आई लव इट।